अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मेहनत है, काबिश है कि बैक टू बैक हर पूरे सूबे में हर जगह आप देखें स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं। तो जिस तरह हमारी हुकूमत, ये मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब और अब्दुल खालिक हज़ारा साहब की सरबराही में जिस तरह वो उनकी डायरेक्शंस है, गाइडेंस है कि जी जहाँ भी इवेंट्स हो हमें डिपार्टमेंट को उसको ओन भी करना चाहिए, उसे सपोर्ट भी करना चाहिए, तो हम कर रहे हैं। और आप देखते हैं हर रोज़ इवेंट्स हो रहे हैं क्वेटा में, क्वेटा से बाहर हर तरफ। सिक्योरिटी रीजंस हैं उसमें, आप जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो आप फिर उसमें कोई ज़्यादा आप कमेंट्स कर नहीं सकते। ये सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं इसमें, तो मुनासिब समझते हैं जहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर हो ग्राउंड, तो इंशाल्लाह फिर भी वो कर लेंगे कुछ ना कुछ ठीक करते हैं। इसका जो अपना इसका जो किक बॉक्सिंग का बाकायदा वो होता है, वो इक्विपमेंट वगैरह सारे मैसर हों हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में और हर शहर में, छोटे बड़े शहरों में टैलेंट इंशाल्लाह फिर बाहर आएगा। तो यही है कि गवर्नमेंट और मुखैर हजरात भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से तो नौजवान की सेहत और सब जो एक्टिविटीज़ है उसका जो फ्यूचर है वो इसे बिल्ड होता है कि आप शुरू से जो है ना स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लें। तो ये नौजवानों के लिए है कि वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट। देखें जी, आपने खुद भी देखा, सारी मीडिया यहाँ पर मौजूद थी हमारे पास, माशाल्लाह से ये किक बॉक्सिंग में जितने भी यंगस्टर्स हम यहाँ देख रहे हैं टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हमें इसको कोशिश ये कर रही है कि हम जितने अपने पूरे बलूचिस्तान में बाकी डिस्ट्रिक्ट में इसको इंट्रोड्यूस कराएँ और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको आगे लेके आएँ और उनको ये किक बॉक्सिंग में ट्रेनिंग, क्योंकि दुनिया में बहुत मशहूर गेम बन चुका है, अब इसका एक ट्रेंड आ गया है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आगे जाके, अभी तो प्रोविंशियल लेवल पे, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल लेवल की इवेंट्स यहाँ पर क्वेटा में मनाते हैं। नौजवानों को ये पैगाम है कि वो अपनी जो तंदुरुस्ती है उसको बरकरार रखें, अपना ये कोविड-19 का टाइम है, इसमें दुनिया में हर जगह पे स्पोर्ट्स जो है ना इफ़ेक्ट हुए हुए हैं, लेकिन घरों में रह के भी इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी है। तो हमारे नौजवान भी घरों में ही रह के, अगर वो ग्राउंड पे नहीं आ सकते हैं तो घरों में ही रह के अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, अपनी फिटनेस को बरकरार रखें और इंशाल्लाह हम सब मिलके, स्पोर्ट्समैन सारे मिलके इस जो ये बीमारी आई हुई है इंशाल्लाह इसको डिफीट करेंगे। देखो, खिलाड़ी होते हैं तो कोशिश होती है कि उनको प्रोग्राम दें, उनको एक्टिविटीज़ दें। पहले अगर हुकूमत ताउन कर रही थी, अभी इंशाल्लाह सचिव साहब ने पूरा वादा किया हमारे साथ कि इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जो हमारा एक ख्वाब है कि हम क्वेटा में कराएं, उसमें जो है 7 ममालिक की टीमें शिरकत करेंगी जिसमें रशिया और यूरोपियन ममालिक भी शामिल हैं। तो हमारा एक ख्वाब था, सेक्रेटरी साहब ने वादा किया जब हम वो कराएंगे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में लोगों को पता चलेगा कि बॉक्सिंग है क्या। तो हमारे सीनियर खिलाड़ी खेलेंगे, बाकी मुल्कों से जीतेंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम किक बॉक्सिंग को प्रमोशन के लिए काम कर रहे थे, अभी हुकूमत ने वक्त ने भी वादा कर लिया हमारे साथ इंशाल्लाह। सेक्रेटरी साहब खुद स्पोर्ट्समैन है, मिनिस्टर साहब स्पोर्ट्समैन है, डीजी साहब स्पोर्ट्समैन है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इस बार हमें ज़रूर मौका दिया जाएगा कि हम अपने खिलाड़ियों को आगे जाने की सहूलियत फराम कर सकें। एक पैगाम देना चाहता हूँ मशरक़ चैनल के हवाले से कि आप स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। दुनिया में हमने देखे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की पिरकावर आया, कौम परस्ती, मजहब परस्ती पहले पैद चुकी है, मगर स्पोर्ट्स वो वहद एक इदारा होता है जिससे तमाम लोगों के आपस के इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं और लोग जितने भी तासुबात उसको भूल करके एक मैदान में खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम ज़ाहिर हुसैन सरवरी है, मैं पाकिस्तान क्वाई फेडरेशन का सदर हूँ। मैं बतौर मेहमान यहाँ आल बलूचिस्तान किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में आया हूँ। यहाँ मुझे आकर बड़ी खुशी हुई, 11 डिस्ट्रिक्ट में शिरकत की है। ये सारा जो इसका क्रेडिट जाता है वो मंसूर दुरानी, समीउल्लाह, फजल और उसके टीम को। तो मैं अपने तरफ से और क्वाई फेडरेशन की जानिब से किक बॉक्सिंग के सेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मास्टर रूम में सिर्फ पाकिस्तान में जो है 40 साल से खिदमत करता रहा हूँ। तो मैंने आज इस प्रोग्राम में जो आए थे किक बॉक्सिंग के, जो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, तो हम अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से मंसूर भाई को, सिमल्ला भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों। थैंक यू।